तो मेरा पहला सवाल तो वही रहेगा जो तुहानू सारे पूछते होंगे कि माई थिक एक्सेंट जड़ा एक पॉडकास्ट है, इस आइडिया ने जन्म कदों ते क्यों लिता? मैं कहूँगा कि अनकॉन्शियसली मैं ना ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहा सी अपने आप में पॉडकास्ट वास्ते। मैं मे बी नोटिस नहीं किया होएगा, मे बी एक दिन बैठ के जो मैं अपनी सारियाँ पिछले इंसीडेंट्स देखे, एक्सपीरियंसिस देखे, तो फिर मैनू लगा कि मे बी आई कैन डू समथिंग विद दिस। मैं ना मुस्कुरा रही सी थोड़े बारे सोच के कि थोड़ा काम है सवाल पूछना। आज थोड़ा रोल रिवर्सल हो रहा है, आज मैं सवाल पूछांगी तो जवाब तुसी दोगे। कितना महसूस कर रहे हो? थोड़ा जज में होंदा ना, टेबल्स आर टर्न नाउ, हुन तुसी पूछोगे, थोड़ा नर्वसनेस जी तो होंदी है। बट इस स्टेज पर बहुत बार पहले भी मैं आ चुका, यू नो, मैंने बहुत मतलब अलग अलग होर पॉडकास्ट से मैं जा चुका। थोड़ी जी एक्साइटमेंट भी होंदी है कि कितना साडा दिमाग, यू नो, वर्क करता है जो कोई क्वेश्चन पुट करता है, कितना असी पुरानियाँ कहानियाँ निकाल के लैके आने, पुराने एक्सपीरियंसिस लैके आने। सो मैं आज एक्साइटेड हाँ कि देखना कितने आज मेरा दिमाग लैके जाता है। सो या ऑल रेडी फॉर एनी क्वेश्चन। टर्बन सिख थोड़े लिमिटेड होंगे, कभी थोड़े नाल इस तरह वापरिया कि उपरापन दिखाया या किसी ने मुड़ मुड़ के वेख्या या किसी ने कोई ऐसा कमेंट मार देता? क्योंकि पंजाबी इस समय 4th लार्जेस्ट लैंग्वेज हो चुकी है कैनेडा में, तो जड़ी तादार है उदा तो की जवाब मैं देवां तुहानू, लेकिन फिर भी हजे भी मैं नोटिस किया एक ओपरापन हजे भी देखा जाता है। सो डेफिनेटली आई थिंक जो मैं नवा जो मैं क्लास तो शुरू करा तो थोड़ा जहा एक कहते ना कि वो लोग घूरते तो है सी, क्योंकि मैं जिवें मैं गल की कि नवे नवे नो पग्गां बन के जानिया, रंग बन के जाने, तो लोग घूरते तो सी। तो कभी कभी तो बस च भी इदा होया कि बैठा तो कभी कोई रैंडम बंदा मेरे कोल बैठा तो उठ के चल जाता सी। अच्छा। या कोल आके बहंदा नहीं सी। किवें ना असी कॉन्शियस होए कि साडा एक्सेंट ठीक है नहीं है, साडी गलबात समझ आएगी नहीं आएगी, एम आई प्रेजेंटिंग माई सैल्फ राइट? यह जड़ा संकोच है किवें दूर किया? तुसी इदा बोलो या तुसी फॉर एग्जाम्पल तुसी कभी कभी बिल्कुल गारबेज बोल रहे हो वो ब्यूटीफुल एक्सेंट विच दैट विल इज जस्ट नॉट वर्थ इट, राइट? ओदा की मतलब होया? बट वही तुसी जो बड़ी अच्छी गाल जी मतलब रिक्वायर्ड है गाल बोलना, वो तुसी कोई भी नॉर्मल अपने इंडियन, अमेरिकन, स्पैनिश, वट एवर एक्सेंट बोलो, वो सुनी जाएगी, जरूर सुनी जाएगी। पर साडी माँ बोली अमंग ऑल द एंथनीज एंड द जॉन्स एंड द मरियम्स एंड तुसी स्प्रैड कीती है, तो मैनू लगता है जे ना भी पढ़ी जावे पर जे पता है कि मैं एक पंजाबी भाषा विच अपना नाम लिखिया कैरी कर रहा वहाँ, किन्ने दोस्तों को दिखाना तो जगह जगह है कीरिंग मेरी। हुण तुहाडे जाण तो बाद सब तो पहले यही होएगी आई चेंज माई केयरिंग जिहदे विच मेरा नाम होएगा पंजाबी च। सो ब्यूटीफुल आइडिया, ब्यूटीफुल। मेरा रूममेट सी पुराना, मैं उन्होंने दिता सी, ते ही कॉल्ड मी वन डे, आई थिंक एक साल बाद ही कॉल्ड मी। ही सैड कि मैं रस्ते च जा रहा सी ते मेरे बैग ते लगा होया सी, ते एक टर्बन वेयरिंग बंदा सी, वो आया मेरे को तो कहता ओ यू नो व्हाट इज दिस रिटन? ही सैड यस दिस इज माई नेम। वाह। मतलब वो बड़ा खुश है देख के ना, किन्ने दिता तेनों है, उन्हें पूछा उन्हें, तो दैट गाय वॉज फ्रॉम नाइजीरिया, तो उन्हें नाम से टोसन, तो वह कहता कि टोसन लिखा मैं पता मेरा नाम है। मेरा रूममेट सी एक, यू नो, गुरसीस, तो उन्हें मैं दिता सी, तो मतलब मेरा नाम भी याद रहा उन्होंने ओबियसली, तो मैं भी याद रहा, तो किचन भी याद रहा उन्होंने, तो पंजाबी लैंग्वेज भी याद रही उन्होंने। साढ़े नाल जुड़े ने अज के गैसट गुरअसीस सिंह। गुरअसीस बारे तो सारा यह दसा कि वो एक पॉडकास्टर ने, तो उन्होंने जोड़ा पॉडकास्ट है वह ना है माई थिक एक्सेंट। जिस पॉडकास्ट की यह कोशिश है कि जिन्हें भी स्टीरियोटाइप्स असी इमिग्रेंट्स के आले दुआले बना रखे ने उन्होंने किस तरह तोड़िया जाए, तो कुछ कामयाब कहानियाँ वह पेश करते हैं ताकि जोड़े नवे इमिग्रेंट्स ने उन्होंने हौसला अफजाई हो सके। क्यों गुरअसीस, मैं ठीक दसिया तुहाडे पॉडकास्ट बारे? बिल्कुल बिल्कुल मनमीत, तुसीं बिल्कुल सही किया, एंड बहुत बहुत शुक्रिया तुहाडा मैनू बुलाने लिए इत्थे। मैनू याद है फर्स्ट टाइम व्हेन आई स्पोक विद यू फ्यू मंथ्स पहला, मैं बहुत एक्साइटेड सी, एंड आज आई थिंक आई एम इवन मोर एक्साइटेड कि मैं इत्थे आ गया एंड फाइनली ये मूवमेंट हो रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच इस तरह का एक पॉडकास्ट शुरू करन लई, साडे स्टूडियो विच आउण लई वेलकम, तो मैं सारे स्रोतां नूं दस देवां कि बहुत कुछ अज सीखण नूं ते समझण नूं मिलण वाला है, क्योंकि गुरअसीस अपने आप विच एक बड़ा वड्डा खजाना ने। सो जदों असी गलबात पहली बार की, आई थिंक असी सोचा सी 30 मिनट्स वास्ते मिलांगे ते असी शायद 1 घंटे बाद सानूं सोचना पिया कि हुण रख दीए फोन दा, चंगी गल है। हां जी। सो गुरअसीस, तुसी ऑल द वे मॉन्ट्रियल तो ट्रैवल किया है सानूं मिलण वास्ते, असी बहुत स्पैशल फील कर रहे हैं। ਤੇ मैं ना मुस्कुरा रही सी ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ सोच के कि ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲ ਰਿਵਰਸਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਤੇ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੋਗੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਟੇਬਲਸ ਆਰ ਟਰਨਡ ਨਾਓ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ। ਥੋੜਾ ਨਰਵਸਨੈਸ ਜੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੋਰ ਪੋਡਕਾਸਟ 'ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਚੁੱਕਾ। थोड़ी जी एक्साइटमेंट भी होंगी है कि कितना साढ़ा दिमाग वर्क करता है जो कोई क्वेश्चन पुट करता है, कि असी पुरानिया कहानियाँ निकाल के लैके आने आ, पुराने एक्सपीरियंसिस लैके आने आ। सो मैं अज एक्साइटिड हाँ कि देखदा कितने अज मेरा दिमाग लैके जाता है। सो या ऑल रेडी फॉर एनी क्वेश्चन यू हैव। आई लव दैट अप्रोच। मैनू भी यह मौका बड़ी बारी जिंदगी मिलिया है कि कभी मेरे तो सवाल पूछे जाए। मैनू लगता है कि कभी कभी सवाल तो हैरान नहीं, तो अपना जवाब हैरान कर देता है, क्योंकि तो यही नहीं पता होंगे कि थोड़े अंदर वो समाया होया है, तुसी सोच लैके चल रहे हो। सो एक एक्सप्लोरेशन की जर्नी होंगी है, एक इंटरव्यू या एक गुफ्तगू। बिल्कुल बिल्कुल। कभी कभी जो मैं एडिटिंग करदा, अपने आंसर्स देखदा, तो मैं सोचदा यार वाह है गुरसीस केड़ा सी। मैं कभी सोचा नहीं इस चीज़ बारे, कि क्वेश्चन ने कि चीज़ मेरे दिमाग च लैके, तो मैं आई वॉज एबल टू स्पीक दैट। सो या सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ ह्यूमन माइंड। तो मैं भी बहुत एक्साइटिड हाँ तुहाडी जर्नी बारे जानन वास्ते, तो अपने स्रोतियाँ तक यह जर्नी पहुँचाने वास्ते, क्योंकि मैनू पता है कि उन्होंने बहुत कुछ अच्छ सीखण नूं मिलण वाला है। तो मेरा पहला सवाल तो वही रहेगा जो तुहानूं सारे पूछते होंगे कि माई थिक एक्सेंट जड़ा एक पॉडकास्ट है, इस आइडिया ने जन्म कदों ते क्यों लिता? ए क्वेश्चन ना हमेशा मैनू बड़ा ही इंट्रस्टिंग लगता है, बिकॉज मैनू ना फोर्स करता है कि मैं उस सारे मोमेंट्स नूं रीविजिट करा, राइट फ्रॉम द टाइम जो मैं आया सी कैनेडा बैक इन 2018 जो मैं आया। तो मैं कहांगा कि अनकॉन्शियसली मैं ना ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहा सी अपने आप में पॉडकास्ट वास्ते। मैं मे बी नोटिस नहीं किया होएगा, मे बी एक दिन बैठ के जो मैं अपनी सारिया पिछले इंसीडेंट्स देखे, एक्सपीरियंसिस देखे, तो फिर मैनू लगा कि मे बी आई कैन डू समथिंग विद दिस। सो आई थिंक इट ऑल स्टार्टेड 2018 ची, जो मैं आया पहली बार कैनेडा एज इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो आंदे ही जो मैं क्लास च पहली बार अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, तो मैं 5 मिनट लिए बोलिया मेरा नाम है गुरसीस, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं यह किया है, मैं एक्सपैक्ट कर रहा प्रोग्राम तो। तो उस तो बाद देखा तो सबके चेहरे बिल्कुल ब्लैंक, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। इत्थे तक मेरी टीचर कहती ओके वेलकम थैंक यू, शी जस्ट सेड दैट, शी सेड ओके हैव अ सीट। तो मैं क्या मैं कुछ गलत बोल देता है कि इतनी शांति क्यों हो गई एकदम? तो फिर कुछ महीने बाद जो आप थोड़े फेमिलियर हो गए एक दूजे के क्लासमेट्स, तो मैं कहते कि गुरसीस सानू तेरा एक्सेंट समझ नहीं आया सी, तां करके असी इन्हें हैरान हो गए सी। सो वो चीज़ सब कह लो कि सबकॉन्शियसली मेरे दिमाग च रह गई। तो उस तो बाद फिर जो जॉब जो प्रोग्राम खत्म होया, जो जॉब लै रहा, उदों भी इदा दे इंस्टेंसिस कि जो मेरे स्किल्स के बजाय मेरा एक्सेंट के क्वेश्चन आ रहे हैं, मेरी इंग्लिश के क्वेश्चन आ रहे हैं। किस तरह के क्वेश्चन मैं जानना चाहूँगी? जरूर। मैनू एग्जाम्पल याद है कि जिमें एक बार ना मैं इंटरव्यू दे रहा सी, तो 2 जाने से इंटरव्यू लै रहे मेरा, तो एक बंदा होएगा कैनेडियन लोकल, तो एक बंदा सी ब्रिटिश। तो जो कनेडियन सी उन्हें मैंने एक क्वेश्चन पूछा अबाउट माई स्किल्स, रिज्यूमे वगैरह, तो मैं गल कर रहा तो विच ही मैं कट के जो ब्रिटिश वाला सी मैं कहते कि अच्छा मैं एक क्वेश्चन पूछा थानू। मैं क्या हाँ जी पूछो। इस सेट कि थोड़ी इंग्लिश इतनी वधिया क्यों गई है? वधिया क्यों है? क्यों गई है? उन्होंने भूल गया सी कि तुसी साडे ते राज भी कीता। इमेजिन ब्रिटिश मैनू पूछ रहा है इंडियन नू थोड़ी इंग्लिश इतनी वधिया क्यों है? तो कह लो कि उस टाइम तक ना मनमीत मैं आक गया सी क्वेश्चन सुन आंसर कर करके। तो मैं उन्होंने ना क्या मैं क्या मैं ना इंडिया तो आना जिथे 10% पॉपूलेशन इंग्लिश बोलती है, जो कि हो गया 120 मिलियन अपरोक्स। तो मैं क्या कैनेडियन पॉपूलेशन हैगी है 40 मिलियन। तो मैं क्या 4 गुना वध लोग उथे इंग्लिश बोलते हैं, बेसिकली इंडिया जो ज़्यादा इंग्लिश स्पीकर्स हैं कनाडा तो एंड दे स्पीक रियली गुड इंग्लिश बेटर देन हियर फॉर श्योर यू नो जी ग्रामर है इवन वो भी बेटर होंदी है तो मैं इन्नी गल कही जो कनेडियन वाला सी ना वो मेरे वाल देख के तो हसल मूँह हथ रख के हसल लग पाया कि उन्हें कितना जवाब दिता क्योंकि मैं पूरा भरया होया सी उस दिन तो इदा के क्वेश्चन बड़े आते फिर रखते उन्होंने हाथ बिल्कुल बिल्कुल तो वो क्वेश्चन मैं बाद चो इंटरव्यू उन्होंने कंटिन्यू नहीं किया मतलब क्विकली दो तीन क्वेश्चन पूछ के उन्होंने फिर बंद कर दिता क्योंकि मे बी दे गॉट ऑफेंडेड के पता नहीं की होया डिड यू गेट द जॉब नो आई डिड नॉट गेट मैं उस जगह एहो जी जगह तो बंदा काम ना ही करे बेटर है काम ही क्यों करना है ऐसी जगह पे रिस्पेक्ट ही नहीं है बचाव हो गया थोड़ा बिल्कुल बिल्कुल सो इदा के क्वेश्चन बड़े आते सी मेरे वाल फिर एक बारी मैं एक मार्केट रिसर्च कंपनी च काम कर रहा सी दैट वाज प्रोबेबली माय फर्स्ट जॉब जो मैं ग्रेजुएट हो गया उस तो बाद की सी मैं 2019 शुरू की सी मैं तो वो जॉब ना इस तरह सी कि मनमीत तुसी लगातार 5-6 घंटे फोन पर हो यू नो कॉल सेंटर जॉब जिदा दी होंदियां ने मैं वो कर रहा बैक टू बैक कॉल्स आ रही ने क्वेश्चन आ रहे ने यू सर्वेज फिल कर रहे हो तो एक बारी ना मेरी मॉर्निंग तो ईवनिंग शिफ्ट सी 10 बजे तो मैं बैठा होया विच ब्रेक भी मैंने मिलया नहीं सी उस दिन एक दिन ऐसा सी तो 4 बजे होया लगातार मैं 5-6 घंटे तो बोल रहा तो एक बंदे ना मैनू मैं उहदा इंटरव्यू लै रहा सर्वे लै रहा तो विच ही कॉल च कहंदा ओ माई गॉड यू हैव सच अ थिक इंडियन एक्सेंट ऐदा ही बोलिया तो वह ना ऐसा दिन सी कि ऑलरेडी मैं भुखा सी 4-5-6 घंटिया तो उतों मैनू दिमाग च आया कि यार मैं 7-8 बजे घर पहुँचांगा मेरे को ग्रोसरी भी नहीं हैगी है मैं खाना किया घर जाके मैं ऑर्डर नहीं कराँगा क्योंकि पैसे बड़े लग जाने है इदा के थॉट्स दिमाग च ऑलरेडी चल रहे हैं जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा ना बस मेरे को रोक नहीं होया मैं क्या यू ऑल्सो हैव अ थिक कनेडियन एक्सेंट तो वो एकदम हसला पाया तो उन्हें फिर फोन कट दिता उन्हें कॉल कंटिन्यू नहीं की सो एक गल 2019 दी अभी मेरे दिमाग च रह गई समहाउ फिर उस तो बाद यू नो जॉब सर्च से सेम वही रट च मैं पै गया कि समहाउ जॉब लभ जाए सेम क्वेश्चन सेम चीज़ा फिर जो 2020 विच ना मैं एक लिंक्डइन ते ना एक वो चैलेंज शुरू किया 30 डे चैलेंज जिदे विच बेसिकली मैं एवरी डे एक वीडियो पाँदा सी मिनिमम 30 सैकेंड्स की 30 डेज पानी है तो वह रीज़न मैं करना शुरू किया क्योंकि बहुत देर हो गई सी कि घर ही बैठे हुए सी पैंडमिक कुछ होर करन नूं नहीं सी एंड एज सच कोई जॉब वॉब तो आ नहीं रही है तो मैं कहा चलो लेट्स ट्राई टू पुट योर सेल्फ आउट थोड़ा जा एंड जो तुसी सारा दिन पजामे पा के बैठे रहंदे हो यू विल ड्रेस थोड़ा जा बेटर यू नो इसी बहाने बहुत सारे लोगों ने अपनी क्रिएटिविटी इसी कारण डिस्कवर की बिल्कुल फिर मैं कहा चलो हुण करिए एंड फिर चैलेंज शुरू किया मैं तो वो कुछ पर्टिकुलर टॉपिक नहीं होंदा सी जनरल असी चीज़ों बारे गल करते सी सारे तो सिर्फ उस मैं नहीं सी 7 जाने होर सी आप कट्ठे चैलेंज कर रहे सी तो उन्हें आई थिंक बड़ा मोटिवेट किया 7 जाने असी एक दूजे दे प्रमोट करते सी शेयर करते सी बड़ा इंट्रस्टिंग मतलब टाइम से हो तो मैं स्टार्ट किया सी mid of December एंड आई फिनिश इन mid of January वो 30 डेज च ना इन्ना ज़्यादा मैनू मतलब लोगों ने रीच आउट किया ना ज़्यादा कितने कहांगा 10-15 ही उस दिन सी वो भी बहुत होंगे आई थिंक उस टाइम से मतलब अपना टाइम काट के वो स्पैशली मैनू यू नो कनैक्शन रिक्वेस्ट भेज ने लिंक्डइन पे एंड कॉम्पलीमेंट कर रहे हैं या मैनू क्वेश्चनस कर रहे हैं कि इस बारे भी वीडियो बनाओ जिन्हें मैंने एक बंदे ने कहा कि तुसी अपनिया पग के रंगों बारे वीडियो बनाओ क्योंकि मैं बड़िया सारिया अलग अलग पग्गां सारे बंदे सानू शौक बड़ा होंदा सारा पग्गां दा अलग अलग रंगां दा तो मैं वही कर रहा सी तो मैंने एक बार ने कहा तुसी वो शुरू करो तो जो मैं वो किया ना तो मैं देखा कि मैं इन्ने ज़्यादा लोगों नाल असी 1-to-1 कॉल्स करनी शुरू करती हैं वीडियो कॉल्स असी कुछ होर तो कर ही रहे सी जूम ते तो वो जो मैं किया तो वो ना मैनू मैं देखा कि यार सारे ही एहो जियां सिचुएशन चो गुजर रहे हैं मैं कल्ला नहीं हाँ यह सब लोग ने जिहड़े मतलब सब दा गोल मे भी होएगा ओवरी PR या फिर गोल होएगा वो पर्टिकुलर जॉब या करियर ग्रोथ या एक नैक्सट स्टैप लाइफ का मगर जिहड़े चैलेंजिज ने वो बड़े सिमिलर ने सारे सब दे जिहड़े साडे मतलब जिवें कई लोगों का 10-10 साल का एक्सपीरियंस है वो अगे मतलब रिकगनाइज नहीं हो रहा जीरो हो गया इत्थे बिल्कुल नल हो गया या किसी का कोई होर पर्टिकुलर चैलेंज है इन टर्म्स ऑफ उन्हां दी जिवें अपने आप नूं प्रॉपरली प्रेजेंट नहीं कर पा रहे गए इंटरव्यू विच नो क्योंकि उन्हां नूं कॉन्शियसनैस होंदी यार मैं एक्सेंट नहीं मेरा सही है मेरी इंग्लिश नहीं वधिया हैगी यार मैं किद्दां बोलांगा तो थोड़ा घबरा जाते हैं बड़ी चीज़ां इदां दियां हो रही सी तो मैं कहा यार दीज गाइज नीड हैल्प इन्हां लोकां नूं मदद दी लोड़ है तो नाल मैनू भी लोड़ है मदद दी तो फिर उस कारण कह लो कि पॉडकास्ट का मेरे दिमाग च आइडिया आया तो 2021 दिस जनवरी च मेरा चैलेंज खत्म होया ते आई रिमेंबर इन द मंथ ऑफ मे मैं एक नवे घर च मूव होया सी, मेरा एक रूममेट सी ते असी वॉलमार्ट तो वापस आ रहे सी ते मैं उन्हें रस्ते च ना इदा ही कहा कि यार मैं ना सोच रहा एक पॉडकास्ट शुरू करा तो वह नाम मैं रखांगा माई थिक एक्सेंट। तो वह कहना नाम तो बड़ा इंट्रस्टिंग है तो कर लै फिर। मैं कह तू कह तो दिता कर लै बट मैनू आता नहीं है करना मैं किदा कराँगा, मैनू कोई नाम पता है इंटरव्यू लैना मैनू आता ठीक है मैं गल कर लवांगा ऑफलाइन ऑनलाइन जिदा मैं करदा पर टैक्नीकल चीज़ा मैं किदा समझांगा। बट उस तो बाद मैनू लगता है कि इनो बाबा जी मैं लगता चाहते सी कि मैं पॉडकास्ट करा मैं तां कह रहा क्योंकि मे विच ना एक मैं जॉब कर रहा सी ते उन्होंने सबनों ले ऑफ कर दिता तो मे तो जून मेरे को 2 महीने कुछ होर करन नू है ही नहीं सी। मैं बड़ा जॉब लभी नहीं लभी मैनू कुछ नहीं कर पाया, मैं गल 2021 की गल है तो 2 महीने मैं कुछ नहीं किया तो आई हैड ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड टू एजुकेट अबाउट पॉडकास्ट। मैं आपने प्रॉपर सिखाया केड़ा सॉफ्टवेयर केड़ा माइक्रोफोन केड़ा एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करा मैं किदा दे गेस्ट रखा मैं केड़े किस तरह टाइप के पॉडकास्ट होंदे है जिवें इंडिविजुअल भी होंदे है जिवें आपसी अज कर रहे हैं इंटरव्यू वाले भी होंदे है कितना कुछ होंदा है। तो बस उही चीज़ों के कारण आपने एजुकेट किया। तो रिमेंबर मैं अगस्त विच अपना माइक्रोफोन ऑर्डर कर लिया सी ते मैं ऑर्डर किया जो घर आया तो मैं खोलिया मेरे को अजे भी फोटो की है तो मैं खोलिया तो मैं कहा अच्छा मंगा तो लेते हैं उन्हें देखते हैं की करना है उन कर भी पावांगा कि नहीं कर पावांगा। बट मैं मतलब श्योर सी कि मैं की चाहना पॉडकास्ट तो मैं ट्राई जरूर करना है। तो फिर बाय दिसंबर 2021 5 दिसंबर मैंने याद है 5 दिसंबर में अपना पहला पॉडकास्ट दी एपीसोड गेस्ट एपीसोड रिकॉर्ड किया सी ते वो जोड़े गेस्ट से मेरे उन्होंने नाम से मेलिसा माटा तो वो मेरे जोड़ा मैं चैलेंज कर रहा सी 1 साल पहले 2022 वो 7 जाने चो 1 जाने हो गए सी। मतलब उत्थों मेरा कनैक्शन सी मेरे दिमाग च सी कि वो शायद वो इमीग्रेंट हैगे ने मे बी वो इमीग्रेंट नहीं हैगे ने बट शी वॉज फ्रॉम डोमिनिकन रिपब्लिक तो सी वो DR तो US रह रहे सी 16 साल तो US च रह रहे सी एंड उन्हों की स्टोरी मैं अनफोल्ड की। उस तो बाद फिर मैं शुरू हो गया रिकॉर्डिंग्स करनिया उस तो बाद मैं जनवरी च कीतियां फिर मैंने काफ़ी लोग मतलब मैं सोचा सी कि मैं 6 तो 7 एपीसोड रेडी रखा सारे एपीसोड्स ब्रॉडकास्ट करन तो पहले क्योंकि कभी कभी एक बंदा करे फिर बंदा छड़ दिंदा यार रिस्पॉन्स नहीं आया ये वो बट मैंने जी कि मैं नंबरस वाल वेखना भी नहीं हैगा मैनू नहीं फर्क पैंदा मैं करना है बस जिदा मर्जी हो जाए रिस्पॉन्स आवे जिदा का भी आवे आई वांट ट्राई चले नहीं चले वो गल वक्री है मैं ट्राई करना है बस। उस तो बाद फिर मैं 7 एपीसोड खत्म किए तो जोड़ा मेरा 7वां गेस्ट सी शी वॉज वेरी नाइस तो हजे मैं पॉडकास्ट लॉन्च भी नहीं किया है तो उन्होंने मेरे वास्ते लिंक्डइन ते पोस्ट पा दिता फोटो खिंच के साडा स्क्रीनशॉट कि मैं गुरसीस ने रिकॉर्ड किया एंड वह पॉडकास्ट है तो वह स्टार्ट कर रहे तो फॉलो करो। तो उन्होंने पाया ना वो एपीसोड लिंक पोस्ट पाया मैं कहा आई थिंक नाउ इट्स टाइम आई शुड लॉन्च इट हूँ मैं करना लॉन्च। फिर मैं उस तो बाद एडिटिंग सारी करनी शुरू की एंड सितंबर 7 सितंबर 2022 मैंू हजे भी 10 महीने लग गए उस तो बाद मैं अपना वो पॉडकास्ट लॉन्च किया। एंड तुसी देखो फनी थिंग मैं जिस दिन अपना पहला ट्रेलर पाया 7 सितंबर 2022 को मेरी जी वैबसाइट सी वो मेरी उससे मोमेंट क्रैश हो गई वैबसाइट। मैं कहा कमाल यार मतलब है कि होया एकदम। फिर मैंने अपनी कस्टमर सर्विस को कॉल किया मैं उन्होंने क्या कि अच्छा इदा होया दे वर वेरी स्वीट तो मैं कहा मे बी इट्स अ ब्लैसिंग इन डिस्गाइज समहाउ मैं अपना पहला एपीसोड ट्रेलर के नाल ही पा देना इकट्ठा। फिर मैं 14 फिर मैं प्रॉपर वह लॉन्च 14 किया वैबसाइट मेरी वापस आ गई सब ठीक हो गया। फिर मैं पॉडकास्ट लॉन्च किया एंड बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स सी आई थिंक मैनू पहले ही विदिन 1 आवर आई गॉट लाइक 100 डाउनलोड्स आई वाज लाइक अच्छा 100 बंदे ने सुन भी लेता है ट्रेलर मेरा एपीसोड मेरा। सो या दिस इज़ द बैक स्टोरी जी मैं तुहानू दसी है सारी एंड yeah this is how I basically started and launched my thick accent. amazing story क्योंकि मैनू लग रहा कि तुसी जिहड़ा कहंदे ना गट फील हंच ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਿਲੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯੂ نو ਯੂਨੀਵਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਈਨਸ ਭੇਜਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਨਾਓ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਟਾਈਮ ਟੂ ਡੂ ਇਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਉਕਤਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਖਾਲੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮਦਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਵੰਡਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਂਗਲੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੋਥ ਜਰਨੀ ਹੈ ਥਰੂ ਦ ਪੋਡਕਾਸਟ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਰੋਥ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ एक्सेंट को लैके असी अपने दिमाग में एक बड़ा ही वड्डा मॉन्स्टर खड़ा कर लेने हैं, लेकिन एक्सेंट आखिर की है? गुरसीस तो सुनते हैं, ही इज़ द एक्सपर्ट। गुरसीस, थोड़ी जी शुरुआत सी वो तो बहुत ही इंटरस्टिंग सी, लेकिन मैं थोड़ा पॉडकास्ट सुने वेरी इंटरस्टिंग, मैं बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को मिलया। तो जो एक कहानी अनफोल्ड होंगी है बोरीयत नहीं होंगी उहदे विच, क्योंकि वो थोड़ी एक निजी कहानी है, तो उस निजी कहानी च तुहानूं अपना परछावां दिखना शुरू हो जाता है। मेरा फेवरेट कोट है कि द यूनीवर्स इज़ मेड ऑफ स्टोरीज एंड नॉट एटम्स, तो वो बिल्कुल थोड़े पॉडकास्ट ते ना जाती है गल कि तुसीं जिस तरह दी कहानियां पेश करते हो। पर मैनूं लगता स्रोतियां ने तुहाडा माई थिक एक्सेंट नहीं सुनिया है, पॉडकास्ट है किस बारे? ज़रूर सो एक एग्जाम्पल मैं देना बड़ा कॉमनली जिहड़े मैंने पुछते ने इस बारे। मैं कहना इमेजिन करो तुसीं एक कमरे च गए हो तो किसी ने तुहानूं उठ के कहा कि गुरसीस आई डोंट लाइक योर क्लोथ्स, जा कपड़े बदल के आ। तुसीं कदी जाओ कपड़े बदल? कदी नहीं जाओगे। मैं तो कदी नहीं जावांगा, क्योंकि मैं कपड़े पाए आ अपनी मर्जी के हिसाब नाल, जिहड़े मैनूं सूट करदे, जिहड़े मैनूं पसंद है, जिहड़े मैनूं फिट होंदे है। मैं किसी कारण जस्ट मैनूं किसी ने कहा है तो मैं क्यों चेंज करांगा? बट असी यही चीज़ अगर अपने एक्सेंट पर भी लागू करिए कि सानू कोई कह के चेंज करो, असी क्यों चेंज करते हैं? असी क्यों इन्ना सोचते हैं कि यार मे बी मैं थोड़ा जा आर्स नू होर रोल कर लवां। ओहो, टोरंटो, मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल, अरे मैं एग्जाम्पल्स दिना कि असी इंडिया च कहने बर्थ ना कि बर्थ, असी बोलते हैं वर्क ना कि वर्क, यू नो असी टर्बन बोलते हैं, थर्बन नहीं बोलते। असी जिमें गुरसीस बोलते हैं गुरसीस या गुरासिस, या मैनू किसी ने जुरासिस भी क्या है। मैं अपना नाम पहले गुरसीस तो गुरु छोटा करता सी, किसी ने मैनू जुरू भी क्या है। सो इदा दा कह लो क्या चीज़ थोड़ी जी रह गई सी मेरे दिमाग में। तो मैं क्या जो कोई दे पॉडकास्ट सुन रहा है उन्होंने पता क्यों कि एक्सपैक्ट करेगा जो हो गया थिक एक्सेंट्स। मगर यह पॉडकास्ट सिर्फ एक्सेंट्स बारे नहीं है, यह साढ़े जो एक्सेंट्स के पिछे असी जो इंसान है, जो साडा कल्चर असी लैके आने हैं, ये बारे भी है। क्योंकि असी मैं पॉडकास्ट के थ्रू कोशिश कर रहा कि जोड़े साढ़े स्टीरियोटाइप्स है ने साढ़े सारे लैके कभी कभी असी किसी कमरे च बैठे होने मे बी तुम कल्ले इंडियन होवो या तुम कल्ले जितों मर्जी आए हो कल्ले होवो। जो मेरे केस च मैं पग बनना, मैं कल्ला पग वाला ही कमरे च होवं तो कोई मैं कोई किसी क्वेश्चन का आंसर दे रहा या पार्टिसिपेट कर रहा किसी कॉन्वरजेशन तो कोई मैं सीरियसली ना लवे, वो मेरे को हजम नहीं हो रहा सी। कि मैं कुछ कह रहा तो वो मैं कह रहे हैं कि वॉट वॉट मैं 10 बार रिपीट करने कह रहे हैं, तो वो चीज़ थोड़ी मेरे को हजम नहीं हो रही सी। तो मैं क्या जस्ट बिकॉज मेरा एक एक्सेंट है, मैं पग बनना, तुम मैं सीरियसली नहीं लोगे तो वो मैं एक्सेप्ट नहीं करांगा सीरियसली एंड मे बी लुकिंग डाउन या अपॉन यू। एग्जैक्टली, सो मैं क्या नॉट हैपनिंग। बट मैं ये थ्रू यह नहीं कर रहा पॉडकास्ट थ्रू कि मैं उंगलियां चुक रहा कि तुसी मैनू क्या कि गो बैक टू योर कंट्री या तुसी मैनू क्या कि 20 टाइम्स रिपीट कर या तुसी मैनू इदा क्या, मैं वो नहीं कर रहा। मैं सिर्फ यह कह रहा साडी प्रेजेंस जिहड़ी हैगी है कमरे च उन्नू एक्नॉलेज करो, तो वो मैं कर रहा बाय ब्रिंगिंग फोर्थ स्टोरीज उन्होंने लोगों दियाँ जिहड़े सक्सैसफुल इमिग्रेंट्स है ने। सक्सैसफुल की डेफिनेशन मनमीत आई थिंक सब की अपनी अपनी हो सकती है, बट मेरे अकॉर्डिंग है सक्सैसफुल कि लोग कितों तुरे ने तो फिलहाल कितने ने हुन। जो फॉर एग्जाम्पल मेरे वास्ते कैनेडा आना भी वो सक्सैसफुल सी, मेरे लिए ग्रैजुएट होना वो मेरे लिए भी सक्सैस सी, उस तो बाद पहली जॉब लेना भी मेरे लिए सक्सैस सी, उस तो बाद मेरा पॉडकास्ट का आइडिया सोचना सक्सैस सी, उस तो बाद मेरा पॉडकास्ट लॉन्च करना सक्सैस सी, उस तो बाद मैं अज इत्थे बैठा होया तो मेरे लिए यह भी सक्सैस है। सो हर तरह की जोड़ा वॉक्स ऑफ लाइफ के बंदे मैं लैके आना जिस भी मुकाम तो हैगे ने फिलहाल या जितों आए ने, और सारी जर्नी मैं अनफोल्ड करदा। तो जोड़े लोग ने यह सिर्फ आके अपनी कहानियाँ नहीं दसते, ये लोग ऐसे भी ने जिन्होंने लोगों को अपने कह लो कि बिजनेसिस ने फ्री रिसोर्स ने फ्री कुछ कह लो कि गाइडेंस के रिसोर्स ने जोड़े वो रेडी ने अपने मेरे लिसनर्स नू देन वास्ते, भावें वो जॉब सर्च नू लैके होवे, भावें कम्यूनिटी बिल्डिंग होवे, तुसी अगर कल्ले महसूस कर रहे हो, ईवन खान पीन दे भी होन। कई लोग अगे ने जोड़े मतलब दे आर रेडी टू शेयर देयर रेसिपीज ऑल्सो, जी क्योंकि बड़ा औखा हो जाता मैनेज करना स्टूडेंट लाइफ के नाल खाना पीना। मैं कभी कभी स्टूडेंट्स नू कई मिलदा तो जिवें कभी कभी मेरे कोई रूममेट छोटे आते हैं नवे नवे, उन्होंने कहना कुछ खाता कि नहीं खाता, क्योंकि खाना भी बड़ा जरूरी है, इन्हें सिर्फ इग्नोर करते हैं। एंड फूड इज एन इमोशन और थोड़े इमोशंस जुड़े ने उहदे नाल, ते बड़े हैक्स ने। ते जे कोई थोड़े ना रेसिपी शेयर कर रहा है नथिंग लाइक इट, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਗੁਰਸੀਸ, ਇੰਨੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਦਿਲੋਂ ਕਿ ਅੱਛਾ ਹੱਥ ਦੀ ਯੂ نو ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਚਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਲਾਇਚੀ ਪਾ ਕੇ। ਯਾ ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਜੋ ਜਿਸ ਜੋ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹੋ ਐਜ਼ ਐਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਤਕਲੀਫਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੰਨਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਲਿਸਨਰ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੋ ਜਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਐਕਸੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਨੂੰ ਓਨ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਐਕਸੈਂਟ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਓਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨੈਚੁਰਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦਿਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ ਲਿਸਨਰਸ ਨੂੰ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿ ਦੇਖੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਥਵੇ ਆਲਸੋ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਿਰਫ ਪੀ ਆਰ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਯੂ نو ਇੱਥੇ ਅਲੱਗ ਹੀ ਪਰਪਸਿਸ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਲੇਟ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਥ ਹੈਗਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਫੋਲੋ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕਰਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੈਸਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸਟੇਕਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਫੇਲੀਅਰਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਲਾਈਫ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਵਰਡ ਕਿ ਦਿਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਿਲ ਐਕਟ ਐਜ਼ ਅ ਕੈਟਲਿਸਟ ਇਨ ਯੋਰ ਐਕਸਲਰੇਟਿੰਗ ਯੋਰ ਲਾਈਫ ਐਜ਼ ਐਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਸਰ ਕੀਤਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਐਂਡ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਹਰ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਦੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਯੂਨੀਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਯੂ ਮਾਈਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਲਿਸਨ ਟੂ ਐਨ ਇਨਸਪਾਇਰਿੰਗ ਸਟੋਰੀ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਇਟ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗੁਰਸੀਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ, ਆਈ ਫੈਲਟ ਦੈਟ ਇਨ ਯੋਰ ਪੋਡਕਾਸਟ। ਇੱਕ ਵਾਰਮਥ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਡਕਾਸਟ 'ਚ, ਇੱਕ ਆਪਣਾਪਨ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪਰਛਾਈ ਦੇਖੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਡਕਾਸਟ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੀ ਅਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਮੈਂ ਹੋਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੇਂਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੀ ਗਰੋਥ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਆਈ ਲਵ ਦਿਸ ਕੁਐਸਚਨ ਯੂ نو। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਮਨਮੀਤ ਇੱਥੇ 2018 'ਤੇ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਉਹ ਸਪਾਰਕ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਆਉਂਦੇ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਈਸ ਐਂਡ ਹੰਕੀ ਡੋਰੀ, ਸਭ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਲ ਬੀਤਦੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਆਸਮਾਨ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਉਹ ਉਜਲਿਆ ਪਿਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਜ਼ਲਡ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਐਂਡ ਬੜਾ ਕੁਛ ਯੂ نو ਯੂ ਗੈਟ ਇਨ ਲਾਈਫ ਇਨ ਦ ਬਿਜ਼ੀ ਇਨ ਗੈਟਿੰਗ ਇਨ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿ ਪੀ ਆਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਜੋਬ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਪਾਰਕ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸਮਝੋ ਮੇਰੇ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਹ ਚਾਮ ਸੀ ਸਪਾਰਕ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਨਾ ਰੀਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਅਲੋਨ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 10-12 ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੇ ਬੀ ਸਮਟਾਈਮ ਸਮ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ 80s 90s 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 20-30 ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਨੇ ਐਜ਼ ਐਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਈ ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੜੀ ਨਾ ਬੜੀ ਹੀ ਖਰਾਬ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਪਣੇ ਸੈਕਿੰਡ ਸੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਸਿਰਫ ਉਹ ਮਨਮੀਤ, ਐਂਡ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, 16 ਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਂਡ ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਇਕਲੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟਰਨ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਹੈਗੀ ਸੀ ਆਫ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਟਰਨ ਲਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬੋਮਡ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਉੱਠ ਕੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜ ਬਿਗੈਸਟ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਆਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਬਣਾਇਆ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਵਾਸਤੇ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਨਾ ਇਹ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕਾਹਦੀ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਯੂ نو की मतलब ऐसी बड़ी बारी कहने कि यार वाई मी, मैनू क्यों नहीं मिलया वह वाला अवार्ड, मैनू क्यों नहीं दिता। जो अवार्ड मिलता उदो कहने यार मैनू क्यों मिलया, उदो नहीं ऐसी कहते। मतलब हर चीज़ ऐसी अवार्ड कार कार बिल्कुल हर छोटी चीज़ बस एक क्रिप करते हैं। जो लोग मैक्सीको घूमण जाते हैं, मैं क्यों नहीं जा रहा घूमण, मैं क्यों इतने बैठा। हाँ बिल्कुल, बड़िया सारी इस तरह चीज़ा ना मैं लगता है मैनू ग्रेटफुल बनाया और शुक्राना करना सिखाया है कि यार जो होगा ना बहुत है, तू ज़्यादा एक्सपैक्ट ना कर। जो मैं कहना कि यार मेरे वो वाली जॉब क्यों नहीं मिली, वो वाला मैं क्यों नहीं लेता, कंपेयर कर दे ना सी डूम स्क्रोलिंग करते हैं, बह के स्वाइप स्वाइप करते रहने, स्क्रोल करते रहने, यार वो तो इतने घूम रहा उत्थे घूम रहा उत्थे घूम रहा, घूमन दो सानू कि वह टाइम है थोड़ा टाइम होएगा। मैं चीज़ ना एक और चीज़ मैंने सिखाई है पॉडकास्ट ने करते करते कि जो मेरा है ना वो समहाउ और दी अदर वो मेरे को आ जाएगा, ऐदा नहीं तो ओदा नहीं। एक ना यू नो अमिताभ बच्चन है, उन्होंने फादर ने हरिवंश बच्चन तो वो काफ़ी उन्होंने कोट करते हैं, वो पोएट सी तो वो कहते हैं कि मेरे पापा कहते होंगे सी कि अगर तुहाडा काम एक बन जाए तो बहुत वधिया, अगर नहीं बने ना तो उस तो भी वधिया। सो ओला थॉट कह लो कि थोड़ा हो रीटरेट करता है पॉडकास्ट ने कि यार अगर कोई चीज़ हो रही है ना तो बहुत वधिया, नहीं हो रही ना तो कुछ बेटर लिखा हुआ है, होल्ड ऑन। बिल्कुल सो स्रोतियो तुहानू मैसेज पहुँच गया होएगा, जे गल नहीं बन रही तो थोड़ा जहा सबर संतोख रखो, गल जो बननी है उदो बन जानी है, तो जे नहीं बन रही ना कुछ होर चंगा तुहाडे वास्ते इंतजार कर रहा है, कोई होर गल होण वाली है। गुरसीस नाल बड़ियां दिलचस्प गल्लां बातां हो रही ने। गुरसीस जिस तरह तुसी अपने पॉडकास्ट इतना ग्रो कर गए ने, लोगों को मिल के मेरा भी कुछ हाल ऐसा ही है, तो मिल के मैं हुण इंस्पायर्ड फील कर रही हूँ कि कुछ होर चंगा काम भी किया जाए। चंगा काम हो रहा है लेकिन होर चंगा किया जाए, तो जड़ा शुकराने की तुसी गल कही वो तो जिन्ना करो उन्ना घट है। बिल्कुल एक ख्याल मेरे मन में आ रहा सीगा कि तुसी मॉन्ट्रियल रहंदे हो, जे तुसी वैनकूवर या ऑन्टेरियो चले जाओ तो उन्होंने कुछ कुछ जगह जिवें ब्रैम्पटन, स्कारबरो या सरी चले जाओ, उत्थे तां कदी कदी वहम हुंदा कि पंजाब विच ही ते ना कित्थे बैठे हो। हाँ जी, लेकिन मॉन्ट्रियल शायद टर्बनड सिख थोड़े लिमिटेड होणगे। कदी थोड़े नाल इस तरह वापरिया कि ओपरापन दिखाया या किसी ने मुड़ मुड़ के वेख्या या किसी ने कोई ऐसा कॉमेंट मार दिता, क्योंकि पंजाबी इस समय 4th लार्जेस्ट लैंग्वेज हो चुकी है कैनेडा में। बिल्कुल, तो जड़ी तादार है उदा तो की जवाब मैं देवां तुहानूं, लेकिन फिर भी हजे भी मैं नोटिस किया एक ओपरापन हजे भी देखा जाता है। तुहाडा की एक्सपीरियंस है? सो डेफिनेटली आई थिंक जो नवा जो मैं क्लास तो शुरू करा तो थोड़ा जहा एक कहते ना कि वो लोग कूड़ते तो है सी, क्योंकि मैं जिवें मैं गल की कि नवे नवे नो पग्गा बन के जानिया, रंग बन के जाने, तो लोग कूड़ते तो सी। तो कभी कभी तो बस च भी इदा होया कि बैठा तो कभी कोई रैंडम बंदा मेरे कोल बैठा तो उठ के चल जाता सी। अच्छा, जहाँ कोल आके बहंदा नहीं सी। ओ रियली? हाँ, मतलब बड़ी बड़ी इस तरह होया। एक बार मैं याद है एंड मैंने लगता है कि थोड़े से ना मैंने कहा कि सारे इदा तो करते हैं। आई थिंक कुछ ऐसे लोग होंगे ने मे बी जिन्हों के थोड़ा जहा ना एक ओपन माइंडिड नहीं है, वो बड़े नैरो माइंडिड ने, छोटी सोच है, इन्ना एक्सपोजर नहीं है, मे बी वो थोड़ा ज़्यादा इदा करते हैं। तो कई दे मैं जो वर्ड यूज़ करना अलाउ करो कि कई दे पेज ढिले होंगे है, कई होंगे थोड़े जो उस तरह के है। तो इदा मेरा हुई एग्जाम्पल, मेरी पहली प्रेजेंटेशन सी मेरे कॉलेज की, नो जिमें बड़ा बंदा होंगे ना एक्साइटेड होंगे कि यार पहली प्रेजेंटेशन है, वधिया इंप्रैशन जमाना है, तो अच्छा परफॉर्म करना है। मैं पूरा प्रिपेयर्ड हाँ, तो मैं अपने मैट्रो स्टेशन तो मेरी मैट्रो तो मेरा कॉलेज हैगा सी लाइक 3 मिनट वॉक होएगी। मैं बाहर निकलिया मैट्रो स्टेशन तो मैं अपना रिहर्सल कर रहा है ना, अपनी प्रैक्टिस कर रहा, जबानी बोल रहा। तो मैं एक लेडी ने क्रॉस किया, मेरे राइट पर खड़ी सी वो, एंड उन्हें मेरे ते ना शाउट किया पॉइंट करके, आई हेट योर टर्बन, बिना किसी कारण, बिना किसी कारण, रैंडमली, नो प्रोवोकेशन, नथिंग। मैं उत्थों सिर्फ क्रॉस किया, उन्हें मेरे वाले दा देखा, तो शी सेड आई हेट योर टर्बन, गो बैक टू इंडिया, इदा मैनू उन्हें बोलिया। तो मैंने 2 मिनट लिए समझ नहीं आया। एक गल ना बंदा एक्साइटेड होंगे कि यार पहली प्रेजेंटेशन है, बंदा दिमाग अलग पासे होंगे है। तो मैं ना एकदम पिछे मुड़िया तो मैंने देखा, तो मैं कहा यार ऐसा कुछ नहीं इनू मैं कह सकता इस टाइम कि जोड़ा ना माइंड सैट है, दिमाग ना चेंज कर दे, कुछ नहीं कह सकता। तो मैं इनू यही क्या, मैं क्या हैव अ गुड डे, तो मैं उतो चला गया। बट मैं लगता है कि जोड़ा वो कॉमेंट सी ना उत्तों मेरी पहली प्रेजेंटेशन सी, तो वो कॉमेंट ने मैं ऐसा कह लो कि फोर्स करता ना कि मैं आई हैव टू परफॉर्म द बेस्ट, समहाउ उन्हें मैनू फ्यूल कर दिता वो कॉमेंट ने, पता नहीं किदा कि यार मैं दिखावा करना ना होन कि मैं इत्थे आया ना, आई एम गोना परफॉर्म द बेस्ट। तो उस तो बाद मैं जो दिती प्रेजेंटेशन तो वो मेरी वन ऑफ द बेस्ट प्रेजेंटेशन द क्लास हो गई। वाह। तो पता नहीं कह लो कि जो नैगेटिव कॉमेंट को किदा मेरे दिमाग ने अगेन यू गैट सरप्राइज ना कि दिमाग साडा वर्क करता है। उन्हें मैनू इदा कन्वर्ट कर दिया। सट्टा लगियां जड़ियां थानू या जड़े थप्पड़ पए तुसी उन्होंने अपनी सक्सेस विच किवें कन्वर्ट कर सकदे हो। सो इट्स दिस इज एन अमेजिंग एग्जांपल। ओके एंड if there is no negative you can't develop। बिल्कुल so. yeah. I love that yes। so वही चीज़ हुई मैं लगता है वो कमेंट ने पता नहीं की फ्यूल किया मेरे च। मैं कहा मैं दिखाना ना नोन तो बहुत वही प्रेजेंटेशन मेरी हुई एंड आई गॉट लाइक फुल ग्रेड्स एंड वन ऑफ द बेस्ट प्रेजेंटेशंस। सो एक एग्जाम्पल मेरे दिमाग से आ रही है ए जरूर मेरा होया इस तरह यार। सो स्रोते हो तुसी सुन रहे हो कि जे किसी ने कोई रेसिस्ट कॉमेंट मारा है या कोई गलत गल बोल दी है ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲੀ ਜੇ ਲੈਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਨਾ ਕਿ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਕਟਿਮ ਕਾਰਡ ਪਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੋਡਕਾਸਟ 'ਤੇ ਗੈਸਟ ਆਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬੋਲੀ ਸੀ। ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਫਰੋਮ ਨਾਈਜੀਰੀਆ। ਉਹ ਐਪੀਸੋਡ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈਵ ਬਲਾਈਂਡਰਸ ਟੂਵਰਡਸ ਹੇਟ ਸਪੀਚ। तो बड़ा कमाल का एपीसोड से। मैं लगता वो एपीसोड ने मैंने बहुत सिखाया तो एपीसोड ने मैंने हैल्प भी की मैं अपना पॉडकास्ट के डायरेक्शन लैके जाना है। तो उन्होंने भी यही कहने का मतलब सी कि अगर कोई तुम्हें कुछ गलत कह रहा है, तुम्हें कुछ गलत बोल रहा है, तुम्हें कोई कॉमेंट कर रहा है, रेसिस्ट कॉमेंट कर रहा है, फायदा नहीं गा वो नैगेटिविटी को ब्रू करन दा, फायदा नहीं है उन्होंने रिस्पोंड करन दा। वो जी एनर्जी है ना जो तुसीं करन आए ना उत्ते फोकस करो। तुहाडा जिहड़ा गोल हैगा ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵਾਲਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕੁਛ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੋਲੋ ਜਿੱਥੇ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਯੂ ਮੇਡ ਯੋਰ ਵੋਇਸ ਹਰਡ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਟਰਬਨਡ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰਫੁਲੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਮਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਿਸਨਰਸ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਜੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਰਬਨ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਇਕਲੀ ਇੱਕ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਸਨਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕਲਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰਬਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਫਾਲ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਜੈਕਟਾਂ ਮੈਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪੱਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੇਟ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹੇਅਰ ਇਜ਼ ਗੁਰੂ ਫੈਸ਼ਨੇਬਲੀ ਲੇਟ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਹ ਰੰਗ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਅੱਜ ਤੂੰ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਔਕਵਰਡਨੈਸ ਸੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸਮੈਸ 8ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੜੇ ਫਰੈਂਕ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਸਾਰੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਓਪਨਲੀ ਕੁਐਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਟਰਬਨ ਬਾਰੇ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਲਿਸਨਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੂਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਗ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਿਜਾਬ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਬੈਸਟ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਇਜ਼ ਕਿ ਯੂ ਸਟਾਰਟ ਟੇਕ ਦ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨਸ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਫਰਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸ਼ਨਸ ਪੁੱਛ ਸਕਣ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਟਰਬਨ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਮਥਿੰਗ ਦੇ ਆਰ ਥਿੰਕਿੰਗ। ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਗਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਨਾ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਉਹ ਕੰਫਰਟ 'ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਕੰਫਰਟ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ 3rd ਸਮੈਸਟਰ ਸੀ ਕੋਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਇੰਟਰਪਰਸਨਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸ਼ਨਸ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਟਰਬਨ ਬਾਰੇ ਯੂਨੋ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਟਰਬਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਾਂ ਸਭ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈ ਥਿੰਕ 12 ਕੁਐਸ਼ਨਸ ਲਿੱਤੇ ਮੈਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਯੂਨੋ 5Ks ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਿਆ ਰਿਲੀਜਨ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ 5K ਕੇ ਬਾਰੇ ਯੂਨੋ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਕਿਰਪਾਨ ਕੜਾ ਕੰਘਾ ਐਂਡ ਕੀ ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਕੇਸ਼ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ 5K ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹ ਵੈਡਿੰਗ ਰਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਉਹਨੂੰ ਚੈਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੜਾ ਸਾਂਭ ਸਾਂਭ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੇ ਲਵਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਫੋਲੋਅਰਸ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5K ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੈਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗਿਫਟ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ। And then they were like, oh, okay, you know, then I showed them कि अच्छा देखो मैं कड़ा पाया हुआ है, देखो मेरी पग है, मैं केस रखे हुआ है। फिर उन्होंने मतलब क्या अच्छा अच्छा तां तू पाया हुआ है, अच्छा तां तू तेरी पग तू दाढ़ी कटदा नहीं है इदा। तो फिर मैं होर क्वेश्चन ने जनरल आंसर दिते, बड़े सारे क्वेश्चन सी, कुछ मैं एक हाईलाइट करा तो एक क्वेश्चन एक आंदा सी कि डज कलर्स ऑफ द टर्बन मीन एनीथिंग। अच्छा इदा मेरे क्वेश्चन पूछते सी कि पग्गा दा की रंग है। फिर उन्होंने मैं कहा कि मतलब यू नो जनरल एज सच कोई मतलब नहीं है हर रंग का, बट बड़े ऐसे रंग ने जिमें मतलब नेवी हो गया या साडा यू नो केसरी हो गया जो आप पर्टिकुलर सैलीब्रेशनस से रिलीजियस ओकेजनस से बनते हैं, जिमें लाल बड़ा कैजुअली साडी विआहां ते बनया जाता है, बट अजकल वो भी चेंज हो गया। अजकल लोग अपनी शेरवानियां कपल मैच करता एक दूजे के नाल, तो वह मैं क्या इदा चेंज हो जाते हैं। फिर वो कॉस्ट का पूछते से, अच्छा महंगा कितों लेंदे हो टर्बन तुसीं अपनियां? मैं कहा मैं तो इंडिया तो ही लैंना। मैं कहा अजकल तो इतने तुहानूं आई एम श्योर कि GTA भी मिलदियां होणगियां, कैजुअली ओंटारियो मिलदियां ने। तो इदा दे बड़े क्वेश्चन सी होर। तो एक क्वेश्चन पर्टिकुलर सी उन्हां दा कि एक मैंने क्वेश्चन किसी ने पूछा कि वर यू बॉर्न विद अ टर्बन। वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि देखा जाए तो जिन्होंने नहीं देखा उन्होंने वास्ते एक मिस्ट्री है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यह क्वेश्चन मैंने बड़े लोगों ने पूछा सी, तो मैं क्या यह आंसर करना इंपॉर्टेंट है। फिर उन्होंने मैं दस्या सारा कि नहीं जो बंदा पैदा होंदा है इदा है, उन्होंने सैरेमनी होंदी है। मैं अपनी फोटोज कटिया सैरेमनी दी, दस्तारबंदी दी प्रॉपर, मैं दस्तारबंदी दी फोटोआं कटिया मैं दिखाइया जो गुरुद्वारे च होंदा है। फिर असी एक पार्टी जी भी की सी, मैं क्या देखो यह पार्टी दी फोटोज ने सारियां, तो मैं सारा उन्होंने दिखाया। तो वो बड़े एक्साइटेड होए, तो ऑब्वियसली मैं काफ़ी छोटा सी एंड दे वर लाइक ओ यंग गुरु यू नो छोटा गुरु। सो नवा शुरू की सी पग बननी मैं, तो वो चीज़ दिखाई। फिर उन्हें एक क्वेश्चन बड़ा ना आई थिंक कॉमनली बड़े लोगों आई एम श्योर दिमाग च होएगा कि डू यू वेयर इट एज अ हैट, कि टोपी वांग पा लेंदे हो रख के। तो फिर वो क्वेश्चन ना मैं क्या मैं किद्दां एक्सप्लेन करा। तो फिर मैं की कीता, मैं एक अपनी पग लै गया नाल उत्थे। लास्ट क्वेश्चन से मेरा वो मैं कहा चलो मैं उन्होंने दिखाना कि यह किद्दां होंदी है। फिर ओह माय गॉड दैट मस्ट हैव टेकन अ लॉट ऑफ करेज। बिल्कुल थोड़ा जहा मैं हेजिटेंट सी कि मैं करा कि ना करा, बट मैं ना ये कहूँगा एक गल कि मेरे क्लासमेट्स ना आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट पीपल आई हैव मैट, लिटरली कह रहा। मेरे प्रोफेसर्स भी तो मेरे क्लासमेट्स भी इन्ने वैलकमिंग इन्ने वार्म देवर। तो मैं कला इंडियन सी क्लास में, तो थोड़ा जहा हेजिटेंट मैनू सी पहले मैं कि यार पता नहीं किस तरह यू नो परसीव करेंगे। फिर मैं क्या कोई ना जे इदा पूछते ही नहीं, कोई ना मैं इन्होंने दसदा प्रॉपर। फिर वो जो क्वेश्चन सी कि टोपी वांग पहनती है, मैं क्या जी नहीं है नहीं पहनती है टोपी वांग। फिर उन्होंने मैं एक पग लैके गया, मेरी पग अभी भी 7.5 मीटर है, इमेजिन एडने वड्डी पग है। कहते कि यू मस्ट बी नीडिंग अ वेरी बिग रूम टू टाई इट गुरु। मैं क्या नहीं एक ऑब्वियसली पोनी कराने च टाइम लगता है। फिर यू वोंट बिलीव मैं लिटरली एक मेरी क्लास च लड़की सी, मैं उन्होंने क्या कि चल तू हेल्प करा मेरी पोनी किद्दां करी दी है। अच्छा तुसी पूरा प्रोसेस दिखाया उन्होंने लाइव? एग्जैक्टली हाँ, अमेजिंग। फिर उन्होंने कहा चल तुसी मेरे को वीडियो भी है तो जरूर दिखावांगा मैं कि मैं उन्होंने कहा कि अच्छा यह देखो पोनिया की है, तुसी एक पासे फड़ो इतों की ड्रॉप करो एंड तुसी इदा फोल्ड करो। तो मैं क्या इदा प्रोसेस नू पोनी बोलते हैं। तो मैं क्या उस तो बाद फिर कहते फिर तू कल्ले कर लेना पोनी किद्दां करदा है। तो मैं क्या ऑब्वियसली पहले पहले मैं क्या इंडिया से अम्मा पापा कराते सी या सिस्टर्स या कोई कराता सी, मैं क्या हूँ थोड़ी आदत पै गई है तो बंदा यू नो कॉर्नर ना बूहे ना बन के कर लेंदा है, बिल्कुल बिल्कुल हाँ वो चीज़ कर लेंदा है। उन्होंने दिखाया मैं कहा मैं इदा इदा बन लेना है। एक चीज़ और मैं दसी कि जो मैं नवा नवा आया सी तो मेरी कोई चाइनीज़ रूममेट सी, आई थिंक 2 दिन रही सी मेरे घर न, पहला महीना सी मेरा। यू वोंट बिलीव मैं उन्होंने क्या सी मेरी हेल्प कर बैक दैन इन 2018, क्योंकि उस टाइम मैंने नहीं आती सी कल्ले पूरी करनी। तो बट फिर मैं सारा प्रोसेस उन्होंने सिखाया, मैं इदा दिखाया उन्होंने मैं एंड दे इंजॉयड इट। तो फिर उन्होंने कहा कि इदा तुसी इदा एक एक करके पल्ला रखी दा, तो फिर बनी देखी बन के नहीं दिखाई मैं पूरी हो, बिकॉज मैं किसी नहीं चाहता सी किसी के उपर मैं बनना पागो। तो बस उन्होंने दसा मैं क्या इदा इदा होंदा है, कहते चलो ठीक है एंड आई गॉट फुल ग्रेड्स आई थिंक अनडाउटडली आई गॉट फुल ग्रेड्स एंड माई टीचर लव्ड इट, एवरीबडी लव्ड इट एंड मैनू भी पर्सनली आई थिंक बहुत मैं इंजॉय की वो प्रेजेंटेशन दे के। फुल मार्क्स साढ़े वालों भी तो साढ़े स्रोतिया वालों भी, रेड FM वालों। आई थिंक गुरसीस तुसी जो काम किया ना इन्ना एक की कहते हैं छाप छोड़न वाला काम किया है। जिन्हें भी थोड़े क्लासमेट्स ने जो भी वो दुनिया च बाहर कदम रखे किसी सिख नू मिलणगे या सिख बारे कोई गल होएगी उन्होंने पूरा कल्चर समझा दिता तुसी ते बड़े प्यार नाल। ते इहदे वास्ते कॉन्फिडेंस चाहिए एक लैवल पर। तो मैं कभी कभी सोचती हूँ कॉन्फिडेंस क्यों चाहिए, क्योंकि ये तो थोड़ा अपना कल्चर है, अपना रिलीजन है, अपना की कहते हैं फेथ है थोड़ा, से ये वास्ते कॉन्फिडेंस क्यों। पर गल सच यह है कि असी जो बारदेशी चाहने असी फिट होने की कोशिश करते बिल्कुल सो फिट इन नहीं स्टैंड आउट होना ऐसी ते स्टैंड आउट होने वास्ते साडे नाल आज गुरअसीस ने गुरअसीस मैनू लगता है कि आज साडी ऑडियंस बड़ी असीसा दे रही होएगी तुहानू क्योंकि जिहड़ा एक झाका हुंदा तुहाडे अंदर जो बिना किसी वजह तो है लेकिन हुंदा है झाका दूसरे देश आके वो तुसीं अज बाहर कढ रहे हो भस्म कर रहे हो उन्होंने। मेरा सवाल तुहाडे तो यही है कि कुछ देर पहला मैनूं लगता है 6-7 महीने हो गए मैं अपने स्रोतियां तो यह पूछा कि जिहड़ा तुहाडा नाम है गुरिंदर सिंह इशपाल सिंह प्रभजीव सिंह गुरअसीस सिंह कदे तुहानूं लोड़ पई है कि अपना नाम छोटा करना पवे या बदलना पवे ताकि सामने वाला बंदा ठीक तरह बोल भी सके तो समझ भी सके तो सारे स्रोतियां ने मैंने कहा कि सानू कदे भी अपना नाम बदलन की लोड़ नहीं पई सगों सामने वाले जिहड़े डिफरेंट एथनीसिटी का इंसान है उसने सानू समझण की कोशिश की है पुछण की कोशिश की है एम आई करैक्टली प्रोनाउंसिंग योर नेम 2 बारी पूछ लेंदे ने तो मैनू लगता है जिहड़ा झाका है यह साडे दिल में ज़्यादा है उन्हां तो वॉट इज़ योर एक्सपीरियंस कि ना छोटा करने की लड़ है सानू अपना आप नू ए बदलन की लड़ है नहीं है ना बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है बिकॉज ए डिस्कशन है मेरी पॉडकास्ट से भी बड़ी होंगी है रेगुलरली असी करते हैं मैं जो नवा आया जिवें मैं क्या कि अपना नाम मैं चेंज किया गुरअसीस टू गुरु मैं क्या इन्होंने कितने समझ आएगा गुरअसीस यू नो किद्दां बोलणगे गुरअसीस तो बट उस तो बाद मैनूं लगता है कि मैं देखा कि बहुत लोगों ने आपे इनीशिएटिव लिता कि नहीं गुरअसीस दस मैनूं किद्दां बोलीदा है फिर उन्होंने कहते नहीं कोई इनीशिएटिव लिता कि सानूं दस किद्दां बोलीदा मैं प्रॉपर दस्या उन्होंने एंड दे वर वेरी हैप्पी विद दैट बट मैं ना 2 तरह के देखे लोग एक कई ऐसे होंगे जिहड़े मतलब मैनूं पता है कि वो उन्होंने इंटेंशन अच्छी है और ट्राई कर रहे हैं मेरा नाम पूछ रहे हैं मैनूं किद्दां बोलना है एंड वो ट्राई करते हैं बट जिहड़े कई कुछ ऐसे भी ने जिहड़े मैं देखे कि जान पूछ के दे डोंट इवन यू नो मेक एन एफर्ट फिर वो चीज़ मैं एक्सपीरियंस भी की है तो फिर उस केस मैं कहना मैनू 10 बारी पूछो मैनू गुरअसीस ही कहो ए गुरअसीस जुरासीस जुरेसिस आई डोंट लाइक दैट कॉल मी गुरअसीस 10 बारी पूछो मैनू एक बार मैं याद है मैं एक जगह तक काम कर रहा सी तो वो मैनू बार बार जुरासिस जुरासिस कही जान तो मैं उन्होंने भी क्या मैं क्या कहना आज क्वेश्चन जी सर हाँ जी तो मैं क्या हाउ डू यू से GOD कहती गॉड तो मैं क्या वही जो ग है ना उन्होंने यूज़ करो तो गुरअसीस बोलो जॉर्ड नहीं उसी बोलते उसी गॉड बोलते हो तो गुरअसीस बोलो वो मैं तां कीता बिकॉज वो एफर्ट भी नहीं लगा रही सी सो दैट्स हाउ आई थिंक आई गेज्ड बट इन जनरल मैं देखिया लोग आर वेरी मच इंटरस्टिड टू नो अबाउट यू तो वो कहते हैं कि हाँ जी सानू दसो किद्दां तुसीं ट्राई करते हो किद्दां नाम बोलते हो अपना तो यह मेरा एक्सपीरियंस रहा है सो गुरअसीस मैं एक लाइफ कोच हाँ कम्यूनीकेशन कोच हैगी आ मेरा वास्ता हर तरह के लोगों नाल पैंदा है क्योंकि ये काम विच हर तरह के लोग मैनू मिलते हैं मैनू अज तक किसी ने सामने आके ना नहीं बोलिया मैनू हमेशा पहला पूछा है कैन यू प्लीज़ हैल्प अस प्रोनाउंस योर नेम सो फिर मैं उन्होंने दसदी हाँ मनमीत तो उन्होंने तो तत्ता नहीं बोलिया जाता वो ट ही बोलते हैं पर मन मैनमीत इना बोल देंगे ने विच इज़ फेयर इनफ तो मैनू लगता है कि जिहड़ी कल्चरल टॉलरेंस ते रिस्पैक्ट है वो जिन्हों लोगों ने सीख ली है तो यही शायद सानू भी गुर अपनाना चाहिए मैं किसी को मिल रही सी उस दिन उन्होंने नाम सी रोज़ मरियम मेरे सामने मैं बिल्कुल करैक्ट बोल रही सी क्योंकि लिखिया रहा सी रोज़ी मरियम तो उन्होंने मैनू फिर 30 सैकेंड्स बाद बोलिया मनमीत इट्स रोज़ी मरियम सो एक मैं भी सीखी है गल कि सामने वो ना पूछ लो हाउ डू यू प्रोनाउंस द नेम म्यूचुअल रिस्पैक्ट हैगी है तुसी रिस्पैक्ट दोगे तो रिस्पैक्ट मिलेगी हाँ जी मेरा अगला सवाल जो तुहाडे नाल है वो है कि बहुत सारे साढ़े स्रोतियां विच स्टूडेंट्स ने नवे इमीग्रेंट्स ने जिहड़ी कॉन्शियसनैस ऑफ लैंगुएज है वो हैगी है साढ़े विच ते जदों असी इंटरव्यू देण जांदे हां या असी किसी नाल गलबात करदे हां ते फिर उस समय किवें ना असी कॉन्शियस होइए कि साडा एक्सेंट ठीक है नहीं है साड़ी गलबात समझ आएगी नहीं आएगी एम आई प्रेजेंटिंग माई सैल्फ राइट यह जड़ा संकोच है यह किवें दूर किया जाए आई थिंक मैनू ना हूँ नैक्सट मंथ 6 साल हो जाने मनमीत इत्थे तो मैं कहांगा 6 साल विच ना मैं एक्सपीरियंस किया कि तुहाडा एक्सेंट किद्दां दा है तुसीं किद्दां बोल रहे हो वो मैटर नहीं करता है तुहाडा कॉन्टेंट की है कॉन्टैक्सट की है वो मैटर करता है तुसी इदा बोलो या फॉर एग्जाम्पल तुसी कभी कभी बिल्कुल गारबेज बोल रहे हो वो ब्यूटीफुल एक्सेंट विच दैट विल इज जस्ट नॉट वर्थ इट राइट ओदा की मतलब होया बट वही तुसी जे बड़ी अच्छी गाल जी मतलब रिक्वायर्ड है गाल बोलना वो तुसी कोई भी नॉर्मल आपने इंडियन अमेरिकन स्पेनिश वट एवर एक्सेंट च बोलो वो सुनी जाएगी ज़रूर सुनी जाएगी सो मेरी ये मतलब कह लो कि एडवाइस होएगी कि तुसी कहना चाहते मैं ये कहूँगा कि फोकस ऑन द कॉन्टेंट एंड नॉट ऑन द एक्सेंट ए मैं कहूँगा उन्होंने सो अपने विचारां नू सोना रखो अपनी सोच नू पॉजिटिव रखो क्योंकि जिहड़ी सोहनी ते पॉजिटिव सोच है वो पहुँचती है असीं सारे ਉਹੀ ਕਾਇਨਾਤੀ ਕਣਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਣ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦਿਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਵਹੀਕਲ ਹੈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਗੁਰਸੀਸ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਾ ਦਿਓ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿਓ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ ਗੁਰਸੀਸ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੈਸੇਜ कोई ऐसा इंसान जिन्हें तुहानू मुड़ वापस दस्या होवे कि इस पॉडकास्ट ने मेरी जिंदगी ते ऐ प्रभाव पाया या बदली मेरी जिंदगी कोई ऐसा पॉजिटिव एग्जाम्पल साढ़े फिलहाल लिसनर्स इत्थे मैसेज भेजने तुहाडे वास्ते खास करके मैं आदिल पठान जी का मैसेज तुहाडे वास्ते पढ़ना चाहांगी कि वो तुहाडा तुहाडी गलबात सुन के कह रहे ने मैं इन्ना पॉजिटिव महसूस कर रहा बहुत चंगा लग रहा थैंक यू आदिल फॉर योर कॉमेंट्स यू नो तुहाडा जिहड़ा क्वेश्चन है ना ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਇੰਸਪਾਇਰਿੰਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਭ ਨੂੰ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਸਟ ਬੀ ਐਂਡ ਡੋਂਟ ਟਰਾਈ ਟੂ ਬਿਕਮ ਐਂਡ ਮੇਰਾ ਉਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਐਜਿਸ ਰਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਲਚਰ 'ਚ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋਣ ਲਈ ਬਟ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੈਰੈਕਟਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਗੁਰਸੀਸ ਕੌਣ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਇੱਥੇ ਐਜ਼ ਐਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਕੈਰੈਕਟਰ 'ਚ ਘੁਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਕੈਰੈਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਨਿਭਾ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੈਰੈਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਸੋ ਜਸਟ ਬੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਐਮਬਰੇਸ ਕਰੋ ਓਨ ਯੋਰ ਐਕਸੈਂਟ ਓਨ ਯੋਰ ਕਲਚਰ ਓਨ ਯੋਰ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਯੂ ਨੋ ਓਨ ਯੋਰ ਸੈਲਫ ਵੋਟ ਯੂ ਆਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹੋ ਜਸਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਵੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਸਟ ਬੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹੋ ਉਹ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਐਂਡ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਪਰਸਨਲੀ ਵਧਣ ਵਿੱਚ वेरी पावरफुल मैसेज गुरसीस आई लव इट मेरे गूजबम्स ने इस समय रोंगटे खड़े हो गए ने कि ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਕਅਪ ਕਦ ਤੱਕ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਐਕਟ ਕਦ ਤੱਕ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁਖੌਟਾ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ ਆਖਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਥੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾਲ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇੱਕ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਤਾਰ ਦੀ ਹੈ ਮੇਕਅਪ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਕਰ ਰੱਖੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਾਣ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਰੱਖੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਓਨੈਸਟੀ ਇਜ਼ ਡੀਪਲੀ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟਿਡ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਨਾਵਟੀਪਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਥਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਡਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਕੁਛ ਹੋਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਖੁਦ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਰਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲਾਈਫ ਆਉਂਦੀ ਨੀਂਦ ਅੱਛੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੈਸੇ ਸਿਰਫ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ मुखौटे पाण दी हाँ जी सो स्रोते देख नहीं सकते लेकिन गुरसीस वैसे तो तुहाडा आना साढ़े स्टूडियो च अपने आप ही एक तोहफा है तुहाडियां गल्लां साढ़े वास्ते बहुत वड्डा तोहफा ने पर एक प्यारा जिहा तोहफा तुसीं मैनूं दित्ता है जिहदे ते बड़ा ही सोहना मनमीत पंजाबी च लिखिआ है की रिंग है हाँ जी इहदे पिछे की कहानी है तुसीं की रिंग किस तरह बनाया सो मैं तुहानूं दसदा कि जिवें मैं कहा कि मैनूं 6 साल हो गए इत्थे ऑलमोस्ट तो 6 साल में लगता मैं 4 अलग अलग जगहों पर काम किया होगा तो एक इंस्टीट्यूशन अटेंड किया एजुकेशनल लसाल कॉलेज से मेरा तो मैं जिथे जिथे भी काम किया जिथे जिथे पढ़िया मैं उस तो बाद जो भी इंडिया में जाने का मौका मिले जिस जिस नाल मैं कनैक्ट होया सी, मेरे छोटे बड़े कलीग्स हो गए, मेरे क्लासमेट्स हो गए, मेरे प्रोफैसरस हो गए, मेरे कुछ मैनेजरस हो गए। मैं जो भी इंडिया जाता सी मैं उन्होंने सब लिए उन्हों के नाम का बनया किचन लैके आता सी, पंजाबी च लिखा होया। वाओ। क्योंकि इमेजिन किसी का नाम अगर यू नो एंथनी है तो वो एंथनी पंजाबी च लिखा है, पढ़ तो नहीं सकते, नहीं पढ़ सकते हो, बट वो नाम है एक सुविनियर हो गया ना। बिल्कुल, मैं तो वो याद रखे। अगर वो इंडिया जाते हैं कुछ भी खरीद सकते हो, फुलकारी खरीद लैन, पंजाब जाते हैं चलो फुलकारी खरीद लें, सर्टन खाना खा लैन, कुछ ना कुछ खरीद सकते हैं। बट जो उन्हों का नाम, फॉर एग्जाम्पल जिसका नाम मुनीर है, एक यू नो मुस्लिम नेम है फॉर एग्जाम्पल, तो उन्होंने असी गुरमुखी च लिखा होया है की चेंज, तो वो उत्थे मिलेगा ही नहीं किसी को, वो तो कस्टमाइज़ करना पएगा। कौन करे कस्टमाइज़, वो तो कर नहीं सकते। सो उन्हों का नाम सब दे मैं यू नो पंजाबी च लिख के तो उन्हों के मैं की चेंज लैके आंदा सी सब दे लई। तो मैं मतलब मैनू एक्चुअली मतलब मैं इतने कहते ना कि अपनी तारीफ नहीं कर रहा, बट जनरली मैं बहुत सारे कीचेन्स दिते ने एंड वो मेरी इंटेंशन दो ही दसा ऑनस्टली। पहली इंटेंशन मेरी है सी कि एक ओपरे देश च हाँ मैं एंड कई लोग मैनू मिलते हैं जो कि बहुत ही नाइस ने, बहुत ही नाइस ने, तो मेरा तरीका सी कह लो कि को थैंक यू यू नो एक्सप्रैस करन दा या एक कह लो कि लव एक्सप्रैस करन दा, मेरी लव लैंग्वेज है कह लो गिफ्टिंग, यू नो मेरा एक तरीका से थैंक कहना कि थैंक यू, तुसी इन्ने नाइस हो, तुसी इन्ने वेलकमिंग हो, तुसी इन्ने वार्म सी मेरे टूवर्ड्स। तो जो मैं जॉब छड्डी तो उन्होंने मैं वो दिता तो वो बहुत खुश होए। तो सैकेंड इंटेंशन मेरी यह सी कि अपनी ऑब्वियसली लैंग्वेज न ਅੱਗੇ ਵਧਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਗੁਰਸੀਸ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਅਮੰਗ ਆਲ ਦ ਐਂਥਨੀਜ਼ ਐਂਡ ਦ ਜੌਨਸ ਐਂਡ ਦ ਮਰੀਅਮਸ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰੈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਪੜੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਜੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਕੈਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਕੀਰਿੰਗ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਆਈ ਚੇਂਜ ਮਾਈ ਕੀਰਿੰਗ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ਸੋ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਆਈਡੀਆ, ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਜੈਸਚਰ। ਇੱਕ ਨਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਰੂਮਮੇਟ ਸੀ ਪੁਰਾਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੀ ਕਾਲਡ ਮੀ ਵਨ ਡੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਲਡ ਮੀ, ਹੀ ਸੈਡ ਕਿ ਮੈਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੈਗ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਟਰਬਨ ਵੇਅਰਿੰਗ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਓ ਯੂ ਨੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਰਿਟਨ, ਹੀ ਸੈਡ ਯੈਸ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਨੇਮ। ਵਾਓ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੈਨੂੰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਦੈਟ ਗਾਈ ਵਾਸ ਫਰੋਮ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਟੋਸਨ। तो वह कहता कि टोसन लिखा, मैं पता मेरा नाम है, मेरा रूममेट सी एक यू नो गुरसीस, उन्हें मैं दिता सी। तो मतलब मेरा नाम भी याद रहा उन्होंने ओबियसली, तो मैं भी याद रहा, तो कीचेन भी याद रहा उन्होंने, तो पंजाबी लैंग्वेज भी याद रही उन्होंने। हाँ जी ਗੁਰਸੀਸ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਰੈਡ ਐਫ ਐਮ ਵੱਲੋਂ, ਸਰੋਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ मैं देख रही हाँ कि साढ़े इतने मैसेजेस आ रहे हैं थोड़े वास्ते। एक बार साढ़े स्रोतियाँ दसो कि थोड़ा पॉडकास्ट जो सुनना हो तो कितने सुन सकते हैं। बिल्कुल, ये तुम सुन सकते हो एप्पल पॉडकास्ट से, स्पॉटिफाई ते सुन सकते हो, तुम यूट्यूब ते भी सुन सकते हो। फिलहाल यूट्यूब ते सिर्फ ऑडियोज़ ने, बट बड़ी जल्दी वीडियोज़ भी आनगियां उत्थे। तो अगर तुम पॉडकास्टिंग बड़ी पहली बार सुन रहे हो तो सीधा वैबसाइट पर भी जा सकते हो, जो होगी है www.mythickaccent.com। तो बाकी सूँ इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करो, बड़े अच्छे अच्छे मैं स्मॉल क्लिप्स या एनेक्डोट्स भी लैके आना, स्टोरीज भी लैके आना, बड़ा कुछ मैं प्लान किया होया है। आने वाले महीनों में तुहाडे सब की सपोर्ट मिल जाएगी तो बहुत खुश होवांगा मैं। एंड अगर वो किसी को हैल्प कर जाएगा, एक बंदा मैनू आके कहेगा कि पॉडकास्ट ने मैनू हैल्प किया है, तो समझ लो कि वो मेरी जित हो गई, मेरा सोना हो गया। बिल्कुल, तुसीं सोने दे नाल पूरे भरन वाले हो, क्योंकि गुरसीस मेरे इत्थे मैसेजेस ते मैसेजेस आ रहे हैं। तो जड़ा काम एक चंगी नीयत नाल शुरू करो, उदा जड़ा कहते ना अंजाम वो तो चंगा ही होना है। जिवें मैं क्या रब दी मेहर है तुहाडे उत्ते। थैंक यू अमित, ग्रेट काइंड वर्ड्स। एक आखिरी सवाल असीं ना सारे स्रोतियां तो पूछ रही सी 4 तो 5 दे सैगमेंट विच कि जे तुहाडा शहर जिंदा हो जाए, बोल सके, कुछ कह सके तुहानूं, तो तुहाडा शहर तुहानूं की कहेगा, तुहाडा मॉन्ट्रियल शहर तुहानूं की कहेगा जे वो जिंदा हो जाए। बड़ा थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन है। आई थिंक मैनू मॉन्ट्रियल कहेगा कि थैंक यू फॉर लीविंग योर मार्क हियर। ये देखिया, आई थिंक ये कहेगा मॉन्ट्रियल। बहुत ही दमदार जवाब, जिवें कि तुहाडे नाल दमदार गल्लां होईयां। ते ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਗੁਰਸੀਸ ਸੁਣਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਾ ਰੈਡ ਐਫਐਮ ਟੋਰਾਂਟੋ ਬਿਲਕੁਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਥੈਂਕ ਯੂ